प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिला सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है मातृत्व शिशु योजना, जो प्रत्येक जिला अस्पताल में महीने की 9 तारीख को क्रियान्वयन होता है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला की सभी तरह की जाँच की जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि हर गर्भवती माता का कम से कम उसके गर्भ के दौरान, गर्भ का पीरियड होता है 9 महीने, 9 महीने के दौरान एक बार जांच लेडी डॉक्टर के द्वारा जरूर कराई जाए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रोग्राम चलाया है। पिछले जुलाई से हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं और इस जिले में सफलतापूर्वक ये प्रोग्राम चल रहा है और करीब 1200 से 1400 महिलाएँ, गर्भवती माताएँ हर महीने की 9 तारीख को हमारी विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में आकर इसका फायदा उठा रही हैं। इसके तहत हम लोग विभिन्न प्रकार की जाँच करते हैं जो कि डॉक्टर के द्वारा कराई जाती है। डॉक्टर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को पूरा अधिकार है। तो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में डॉक्टर के द्वारा जांच की जाती है, विभिन्न प्रकार की उनको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है। हम लोगों की जिम्मेदारी है विभिन्न प्रकार की जांच की किट्स उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार के जो कर्मचारी, संबंधित कर्मचारी ड्यूटी लगाना, वो हम लोग लगा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग उनको एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी देते हैं। उसके अलावा बैठने की व्यवस्था भी है, पानी की व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। हम लोग चाहेंगे किसी गर्भवती माता को लाइन में नहीं लगना पड़े, किसी गर्भवती माता को प्यास लग रही तो उसको पानी पिलाया जाए। मैंने मेरे जिले के अंदर फ्रूटी जो जूस होता है उसको प्रबंध कराया, प्लस इसके साथ में मैंने मेरे जिले के अंदर बिस्किट का प्रबंध भी कराया कि गर्भवती माताओं को घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो अपने लगेगा जांच के अंदर, दवाई लेने के अंदर, तो उसको भूख लगे तो उसको कुछ रिफ्रेशमेंट मिल सके। इस योजना के किसी तरह से सकारात्मक परिणाम देखे? बहुत सकारात्मक परिणाम है, क्योंकि इस योजना का मेन उद्देश्य हमारा जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको डिटेक्ट करना है। टाइम से उनको डिटेक्ट करने के बाद में हम लोग उनका इलाज कर देंगे तो हमारी मातृत्व मृत्यु दर कम हो जाएगी। तो हमारा हर महीने के अंदर 80-90 के आसपास हाई रिस्क प्रेगनेंसी निकलती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर को दे दी जाती है तथा लगातार उसको वो फॉलो करती है और उसको लेडी डॉक्टर को जांच कराना सुनिश्चित करती है। हमारे HRP सेंटर हमारे सिविल हॉस्पिटल में बना हुआ है जहाँ हाई रिस्क प्रेगनेंसी की अलग से रजिस्ट्रेशन होता है तथा ये सुनिश्चितता होती है कि उसका किसी भी तरह से सुरक्षित प्रसव कराया जा सके। चाहे उसको सीजन सेक्शन का इंडिकेशन होगा तो हमारे लेडी डॉक्टर उसको इलेक्टिव सीजन समय से पहले बुला के करवा लेती हैं, अदरवाइज उसको सेफ डिलीवरी, जैसे कोई डायबिटीज पेशेंट है, हाई रिस्क पेशेंट है, तो हम लोग डायबिटीज़ का इलाज यहाँ कर देते हैं। उसको पेशेंट नॉर्मल होने के बाद नॉर्मल बच्चे को पैदा करती है, जैसे कि सीवियर एनीमिया है, 5 ग्राम, तो हम लोग ये सोचते हैं कि उसको एंटी एनीमिक जो भी दवाइयाँ हेमटेनिक दवाइयाँ उसको प्रिस्क्राइब कर दें, दवाइयाँ दे दें उसको और उसको इंजेक्शन लगवा दें। नहीं हो तो फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर दें ताकि प्रसव के समय उसका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम प्रतिशत हो सके तथा वह नॉर्मल प्रसव कर सके। तो हम लोग ये कर रहे हैं पूरी तरह से, इसका बड़ा फायदा हो रहा है लोगों को। और अल्ट्रासाउंड भी हम लोग यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ कर रहे हैं। काफ़ी अल्ट्रासाउंड हो रही है हर गर्भवती माता की, मैंने कह रखा है कि फ्री में एक अल्ट्रासाउंड करना जरूर सुनिश्चित करें।